देखिए ये सब्जी जो मैंने बनाया है आपको बहुत पसंद आएगा। मेरे विधि से बनाइए एक बार, और पचफोरन डालिए। जो पचफोरन की खुशबू आती है सब्जियों में, वो हम कोई भी मसाला डालें तीखा। नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए आज हम कद्दू और आलू की मसालेदार सब्जी कैसे बनती है और इसका क्या प्रोसेस है ये देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये मेरा हाफ के जी लगभग ये कद्दू है, और इसमें मीडियम साइज के मैंने 4 से 5 आलू डाले हैं। तो ये मैंने कद्दू के छिलके हटा दिए हैं, क्योंकि कद्दू के छिलके बहुत टाइट रहते हैं तो उसको निकाल देना चाहिए, और अगर सॉफ्ट होते हैं तो उसको हम कद्दू को छिलके सहित बनाते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी जब भी मुलायम कद्दू ले आइए तो उसको छिलकेदार बनाइए, और नहीं तो आप लोग छिलके को उतार कर तब बनाइए। और इसको बारीक बारीक काट लेते हैं। ये देखिए मैंने छील कर रख लिए थे, और इसको इसी तरह बारीक बारीक काट लेंगे। आपको आकार जैसे पसंद है, बीज का भी निकालना है थोड़ा सा, बीज का भी हटा दीजिए, और बिल्कुल साफ़ सुथरा ये हो जाता है। बहुत जल्दी ये बनता है, आलू के बगैर हम नहीं बनाते हैं। बहुत लोग इसमें गुड़ भी डालते हैं और अमचूर भी डालते हैं, तो अभी हम गुड़ और अमचूर वाला नहीं बताएँगे आपको, क्योंकि ये सादा सब्जी जैसे बिल्कुल दाल चावल के साथ में, रोटी पराठा के साथ में, जैसे भी आपको खाना है तो ये हम उसी तरीके से बताते हैं। और ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से इसके छिलके उतार लिए हैं, और इसको बारीक बारीक काट ले रहे हैं। बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, जितना आपको सुविधा बन पड़े। इसमें 2 कर लीजिए, अगर आपको काटने में आराम हो जाएगा, और आराम से इसको हम पीस काट लेंगे। इसी तरह हमने जो हाफ के जी लिया है, ये देखिए सभी को छील कर रखा था, बीज का गूदा भी हम निकाल देते हैं। बीज का गूदा निकालने से बिल्कुल अच्छी तरीके से हमारा कद्दू, और बिल्कुल हरा कद्दू है ये भी नहीं है, लेकिन इसकी छिलकी देखिए बहुत मोटे तह पे निकाले हैं। तो इसको देखिए हम दबा के दिखाते हैं, टाइट हो जाता है, और बहुत बहुत बिल्कुल लगाइए चाकू और सॉफ्ट हो जाता है। तो हमें उसे ही बनाना है। और इसमें देखिए ये मीडियम साइज़ के हमारे आलू हैं जो मैंने छील कर 4-5 ले लिए हैं। आपको नहीं भी डालना है तो कम कर दीजिए, और नहीं तो आप इसके साथ में बनाइए। अब इसमें हमें क्या क्या डालना है देखिए आपको हम सब दिखाते हैं। ये पचफोरन से ही बनता है, मसाला भी डाल सकते हैं इसमें, आप ऐसा कुछ नहीं है। 5 से 6 हरी मिर्च ले लीजिए। हरी मिर्च आजकल तीखी नहीं आ रही है, देखने में ज़रूर सर लगता है। और देखिए ये हमारा सौंफ है, मोटी सौंफ है, जो कि हम इसको ये देखिए स्वादानुसार डालेंगे। और इसके बाद ये इसमें हम डालेंगे काली सरसों, ये भी स्वादानुसार ही डालेंगे। पचफोरन बहुत ज़रूरी होता है कद्दू की सब्ज़ी के लिए। अजवाइन है, अजवाइन भी देखिए हमने सादा ही लिया, स्वादानुसार ही लिया है। और इसके बाद काली मंगरेल, बहुत लोग इसको मंगरेला भी बोलते हैं, तो ये काली मंगरेल ले लिया है। और इसमें थोड़ा सा जीरा ले लीजिए टेस्ट के अकॉर्डिंग। ये पचफोरन जब भी आप बनाएंगी, ये देखिए मेथी, मेथी दाना भी बहुत कम लेते हैं, ज़्यादा नहीं लेते हैं, ये हम आपको दिखा देते हैं। ये देखिए इससे ज़्यादा मेथी दाना नहीं लेते। ये हमारा पचफोरन तैयार हो गया। अब इसमें हम डालेंगे ये मिर्च से तड़का लगाएंगे, और ये पचफोरन डालेंगे। उसके बाद इसका क्या आगे का प्रोसेस है चलिए हम गैस की तरफ चलते हैं, और फिर आपको इसका वीडियो पूरा दिखाते हैं। क्योंकि ये कद्दू हम जब ये धुल लेंगे, धुलने के बाद ही हम अच्छी तरीके से आपको आलू फ्राई करते हैं सबसे पहले, उसके बाद कद्दू डालेंगे। तो हम गैस के पास चलते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखिए मैंने सब्जियों को धुल लिया, काट लिया है, और सरसों का तेल 1 टेबल स्पून बड़े वाले से मैं डाल रही हूँ। सरसों के तेल में ही बनाने से ये सब्जियाँ अच्छी बनती हैं। और पचफोरन तो हमने आपको दिखाई दिया है, गैस को ऑन करते हैं। ये देखिए फुल गैस रखिए, पैन रख दिया मैंने कढ़ाई। हींग है, हींग 1 पिंच डालना है, और हरी मिर्च है, ये मैंने हरी मिर्च भी ले लिया है, और पचफोरन भी ले लिया है। पचफोरन की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि हमारी सब्जियों में सारे पचफोरन की अच्छी से खुशबू आनी चाहिए। अभी ये तेल गरम हो रहा है, और मैं मिर्च को डालूंगी। तो सबसे पहले मैं हरी मिर्च को डालूंगी, उसके बाद ही इसमें हम
ये देखिए हरी मिर्ची बहुत देखने में जरूर लग रही है कि मोटी है और बहुत तीखी होगी, पर तीखी कम है। तो अगर आपको कम खाना है तो आप इसमें स्किप कर दीजिए, 2 से 3 मिर्ची ही डालेंगे। कद्दू भी बहुत सूना होता है इसलिए थोड़ा सा उसको हम चटक तीखा बनाते हैं, और आलू के साथ में बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा और ज़रूरी हो जाता है, आलू भी तीखा होता है। अब हमारी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी तरीके से भूनेंगे। और इसमें हम ये पचफोरन आपको जो दिखाया था, जीरा, मंगरैल, मेथी, सौंफ, अजवाइन और 1 पिंच में इसमें ये हींग ले रखा है, तो हींग को भी हम डाल देते हैं इसमें। और सारी पचफोरन को भी हम डाल देते हैं, तो इस तरह से इसमें बढ़िया से भुजेगा। ये सब्जी दाल चावल रोटी पराठा सभी के साथ में बहुत अच्छी लगती है, लेंच हो डिनर हो कोई भी सूखी सब्जी ये बनती है। हमें कोई पानी भी नहीं डालना होता है इसमें, बहुत लोग कहते हैं कि इसमें पानी डालेंगे तो जल्दी पकेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब हम आलू डालेंगे, देखिए अब हम इसमें आलू डाल रहे हैं जो मीडियम साइज के 4-5 लिए थे, बहुत लाजवाब बनती है। तो इसको बिल्कुल गुलाबी करने के लिए हमें इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, तो थोड़ा सा जल्दी से ये गुलाबी हो जाता है। फ्राई करते समय ही सब डाल देते हैं, बाद में हम सब्जी के अनुसार कितना और नमक पड़ेगा तो इसको हम टेस्ट के अकॉर्डिंग में डाल रहे हैं। और अभी देखते हैं ये भुज जाए, उसके बाद हम आपको आगे का भी प्रोसेस दिखाते हैं। चलिए फुल आँच हो गया है, तो फुल आँच में ही मैंने इसको फ्राई करने की कोशिश की है। आलू हमारा फ्राई होते हैं जब गोल्डन सा होने लगता है, देखिए पचफोरन में अच्छी तरीके से पचफोरन भी हमारा गोल्डन ब्राउन होने लगा है, इसीलिए हम लोग नमक डाल देते हैं। तो नमक डालने से ये सब्जी लगातार भूजते रहिएगा 1 मिनट तक कम से कम। हम इसको ऐसे ढकते भी नहीं हैं क्योंकि हमें ये जल्दी से फ्राई होने के लिए देखना होता है। इसको हम जब कद्दू डालेंगे उसके बाद ही हम इसको ढककर पकाएंगे, बहुत जल्दी ये सब्जी बनती है। देखिए हम कद्दू को भी धुलकर रख लिए हैं, इसी कद्दू को हम अब इसमें डालेंगे जब तक ये गोल्डन ब्राउन होता है। 1 kg के लिए इसीलिए मीडियम साइज के, अगर बहुत बड़े हैं तो 2 डालिए। आलू के बगैर तो बनता नहीं है क्योंकि पचफोरन वाली सब्जी है, इसमें हमें कोई गुड़ नहीं डालना है, कोई लहसुन नहीं डालना है, और इसमें क्या क्या डालना है वो मैंने आपको बता दिया है। हींग बहुत मस्त होता है, तो देखिए हमारे आलू भी फ्राई होने लगे हैं, साथ में मिर्च भी लाल हो गई है। अब हम डालेंगे इसमें कद्दू जो धुलकर रखा था, इसमें भी कोई पानी नहीं डाला है। ये हाथ से भी हमारा कद्दू हो गया, अब हम साथ में इसको भूनते रहेंगे। बहुत जोरदार सब्जी बनती है और बहुत झटपट बनने वाली सब्जी है, कभी भी पूरी से खाने का मन करता है तो हम पचफोरन वाली सब्जी की सब्जी तुरंत बनाते हैं, पचफोरन से बहुत टेस्टी हो जाता है। साथ में हम थोड़ा सा इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे, वो भी स्वाद अनुसार, देखिए स्वाद अनुसार ही हम इसमें हल्दी पाउडर डाल रहे हैं। अब इसको हम फ्राई करते रहेंगे, अब इसमें हम डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च। ये मैंने लिख कर आपको दिखाया भी था कि इसको जब भी आपको
डिब्बे में, समझ नहीं आता डेगी मिर्च रखे हैं, लाल मिर्च किसी रखे हैं या कुटी मिर्च रखे हैं, तो साथ में हमने इसको कट करके डिब्बे पे ही जो लगाया था कश्मीरी लाल मिर्च हमने लगा कर रख दिया है। तो हमको पहचान है इसकी, बहुत तीखा भी नहीं होता है पर कलर बहुत अच्छा देता है, इसलिए कश्मीरी लाल मिर्च को हम डाल देते हैं। ये भी सादा मसाला ही डालते हैं, छोटा मिर्च इसमें डालने से तो बहुत टेस्टी हो जाता है। तो हम बच्चों के लिए सब्जी निकाल लेंगे, उसके बाद ही हम छोटा लाल मिर्च डालेंगे। अब ये सब्जी हमारी देखिए भुजने लगी है, बढ़िया सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगी, भुजते भुजते पक भी जाएगी, पकने के बाद बहुत कम हो जाती है, तो इसकी ये खासियत है। इसीलिए हमने एक बड़े टेबल स्पून जो मैंने डाल के, सरसों से हमेशा सरसों के तेल में ही हम हर सब्जी बनाते हैं। अब इसको हम ढक देते हैं एक मिनट तक के लिए। चलिए हम हमने एक मिनट तक लिए और पकाया है, अब इसको हम देखकर बताते हैं कि ये कितनी सब्जी हमारी पक चुकी है। देखिए भुजते भुजते ही हमारी सब्जी पक जाएगी, मैंने कोई पानी नहीं डाला है इसमें, बहुत अच्छी सूखी सब्जी हमारी बनती है। अब इसको फिर हम एक मिनट तक और पकाएंगे, पक जाए फिर दिखाएं। चलिए अब हम सब्जी को देखते हैं, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चली है, बिल्कुल 10 से 12 मिनट ही लगती है और सब्जी को बनाने में कोई टाइम नहीं लगता। अब इसको आप दाल चावल के साथ में या रोटी पराठा के साथ में जैसे चाहें वैसे, ये कश्मीरी मिर्च डालने से ये हमारी जितनी भी सूखी मिर्च है तीखी चटक हो जाती है और बच्चों को भी तीखी नहीं लगती है। चलिए अब हमारी ये सब्जी बिल्कुल रेडी हो चली है, हम आलू भी दिखाते हैं, देखिए कट रहा है सब आलू, और इसके साथ में हम इसको मसल कर भी दिखाते हैं। हमारी सब्जियाँ बगैर पानी से पक चुकी हैं, इसके बाद पूरा अच्छी तरीके से मसल भी सकते हैं, इस तरह से जैसे मैंने किया है जो भी मॉइस्चर हो उसका सब निकल जाए। चलिए अब हम सर्व करते हैं और गैस को ऑफ करते हैं, हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो चली है। अब हम इसको सर्व करने के तरीके बताते हैं आपको कैसे इसको निकालना है। तो अब हमें लाइट भी चली गई है, कोई बात नहीं है, अब हम सब्जी को इसमें कढ़ाई में निकालेंगे, चाहे रोटी से या पराठा से जैसे भी खाना हो, बिल्कुल सूखी सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई है। ये देखिए अब इस पर हम थोड़ी सी धनिया की पत्ती की गार्निश कर देते हैं। ये देखिए अब ये सब्जी, देखिए ये सब्जी जो मैंने बनाया है आपको बहुत पसंद आएगा, मेरे विधि से बनाइए एक बार और पचफोरन डालिए, जो पचफोरन की खुशबू आती है सब्जियों में वो हम कोई भी मसाला डालें तीखा चटक करने के लिए, लेकिन जो हमने सूखी सब्जी आलू के साथ में बनाते हैं ये कद्दू की सब्जी, ये अलग टेस्ट देता है। आप रोटी पराठा पूड़ी किसी के साथ में भी, दाल चावल के साथ में भी खाइए। और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, आने वाला वीडियो आपके पास इसी तरह पहुँचता रहेगा। थैंक यू।